जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सीखा था। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत ही इजी तरीके से समझा रहेगा और आप लोगों ने सॉल्व भी किया रहेगा। और अब इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि आपको एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस का नेम है, क्वेश्चन से है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। आपको बताना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोलिनियर होता क्या है। जैसे एग्जांपल फॉर कोई तीन बिंदु दिए, मीन्स तीन पॉइंट दिए, पी क्यू आर। पी क्यू का वैल्यू और क्यू पी पी क्यू क्यू आर और पी आर, देखिए आपको तीन पॉइंट बनता है। ये देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ए पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें से जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगा, इस क्वेश्चन में वही पूछा है, जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगा उसको सबसे पहले आपको लिख देना है। जैसे एग्जांपल फॉर ए पीआर का वैल्यू 10 है, मैंने 10 लिख दिया पीआर का वैल्यू। फिर बाद में जो रिमेनिंग बचेगा, जो रिमेनिंग वैल्यू बचेंगे उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। समझ में आया, आपको बता दिया। अब मैं इस पे आता हूँ। अभी देखिए क्वेश्चन दिया है, डिस्टेंस पीआर इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस पीक्यू इज इक्वल टू 10 एंड डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू 3, ठीक है। तीन दिया है, पी क्यू पी आर दिया है 7, पी क्यू दिया है 10 और क्यू आर दिया है 3। अब मैंने आप लोग को बोला जिसका हाईएस्ट वैल्यू हो वो देखो, हाईएस्ट वैल्यू क्या है पी क्यू का ना, तो उसको लिख दो डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। इजी था ना। अब नेक्स्ट स्टेप में आता हूँ। मैंने क्या बोला नेक्स्ट स्टेप के लिए, बाकी जो रिमेनिंग बचेगा उसको आपको ऐड करना है। तो रिमेनिंग में बचा क्या, एक तो पी आर बचा, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर, दोनों को ऐड करना है, इसलिए मैंने प्लस का साइन लगा दिया। पी आर का वैल्यू कितना है 7, क्यू आर का वैल्यू कितना है 3, और 7 और 3 कितना हो गया 10। तो मैंने लिख दिया डिस्टेंस पी आर ये वाला और डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 2। आपको इक्वेशन और 1 और 2 समझा अच्छे से। अब आपको देखना है इक्वेशन 1 और 2 दोनों देखना है। इक्वेशन 1 का वैल्यू कितना था 10 था, इक्वेशन 2 का वैल्यू कितना है 10 है। दोनों इक्वल है ना, और अगर दोनों इक्वल आया तो हम लोग लिखेंगे दिस पॉइंट्स आर या फिर दिस पॉइंट्स इज कोलिनियर। समझा आप लोग को, अगर पॉइंट्स इक्वल नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे दिस पॉइंट्स इज नॉट कोलिनियर। आगे मैंने बताया कैसे लिखने का है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा जो आपने फर्स्ट क्या था डिस्टेंस पी क्यू ना, मैंने लिख दिया डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर। हम लोग ब्रैकेट में लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हम लोग ने इक्वेशन 1 और 2 से क्या हम लोग ने देखा कि दोनों जो इक्वेशन थे पी क्यू इज इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर, दोनों क्या थे इक्वल है। इक्वल कैसे है, क्योंकि इसका 10 आया और इसका 10 आया। समझा ना आप लोग को, अगर इसका 10 आता और इसका 8 आता दोनों इक्वल नहीं होता ना, तो हम लोग उसको कट करते। मैंने सेकंड क्वेश्चन में करके दिखाया आप लोग को, तो यहाँ पर दोनों क्या है इक्वल है ना, तो इसलिए डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। Therefore, इधर 3 पॉइंट है ना पी क्यू आर, therefore, पॉइंट पी क्यू आर इज कोलिनियर। इजी था। अब मैं सेकंड पे जाता हूँ। सेकंड क्या दिया है, डिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू 8, डिस्टेंस एस टी इज इक्वल टू 6, डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू 4। अब 3 पॉइंट दिया है। अब मैंने आपको बताया इसमें हाईएस्ट वैल्यू देखना है आपको, हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें 8, 6, 4 में हाईएस्ट वैल्यू 8 है ना, तो लिख दिया आप डिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू 8, इक्वेशन 1। इजी था। अब इसके बाद मैंने स्टेप क्या बताया आप लोग को, बाकी जो 2 बचेंगे उनको क्या करना है ऐड करना है। तो देखिए बचे क्या, यहाँ पर एक एस टी बचा और एक आर टी बचा, तो डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी, एस टी का वैल्यू कितना है 6, आर टी का वैल्यू कितना है 4, तो 6 प्लस 4 कितना होगा 10। समझ में आप लोग को, कोई प्रॉब्लम, मैंने इसको लगे डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 2 दे दिया मैंने। अब मैंने आप लोग क्या बोला, इक्वेशन चेक करो 1 और 2 दोनों, 1 का वैल्यू कितना है 8, 2 का वैल्यू कितना है 10, ये दोनों सेम है क्या, नहीं ना, तो सबसे पहले लिख देने का डिस्टेंस आर एस इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू लिख, आपको बीच में से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी। समझ में आप लोग को, देयरफॉर पॉइंट आर एस टी इज नॉट कोलिनियर। समझ में आया ना, यहाँ पर इक्वल था इसलिए कोलिनियर हो गया, यहाँ पर इक्वल नहीं इसलिए कोलिनियर नहीं है। आप लोग को समझा, 2 क्वेश्चन मैंने करके दिए क्वेश्चन नंबर 3 के,
और रिमेनिंग 5 to 6 क्वेश्चन है आपको ही सॉल्व करना है। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कहीं भी आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपको सॉल्व करने के बताऊंगा। एक बार वापस बोलता हूं मैं कि आपको जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको लिख के इक्वेशन 1 देना है, बाकी जो दो रिमेनिंग वैल्यू रहेंगे उसको ऐड करके इक्वेशन 2 देना है। बाद में दोनों को कंपेयर करना है कि इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होगा तो कोलिनियर, और इक्वल नहीं होगा तो कोलिनियर नहीं है। समझ में आप लोग को? अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए, पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ लाइक, आपको आप वीडियो देखेंगे तो नीचे एक थंब का साइन आएगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।